बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज के इस दैनिक राशिफल के विशेष कार्यक्रम में। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं जो पहली बार सब्सक्राइब कर रहे हैं, पहली बार कार्यक्रम देख रहे हैं। प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले उन सभी लोगों को ढेरों बधाइयां जिनका या तो आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई स्पेशल डे है। आज आप कोशिश करें कि मंगलवार जैसे पवित्र और शुभ दिन पर आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। इसके लिए आपको 27 अपाहिज लोगों को, दिव्यांग लोगों को मीठा कुछ विशेष गुड़ या कुछ ऐसा भोजन करवाएं जो मीठा हो, निश्चित रूप से जीवन में बहुत पुण्य कमाएंगे। 22 जनवरी मंगलवार है। चंद्रमा की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र के कर्क राशि में रात को 11:31 तक रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में मघा नक्षत्र में रहेंगे। माघ कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि आज पूरे दिन रहेगी। शुभ दिन के साथ साथ ग्रहों से बनने वाले विशेष राजयोग भी आपको लाभ देंगे, जैसे सूर्य बुध का बोधादित्य योग, गुरु मंगल का परिवर्तन योग तो चल ही रहा है। वहीं आज के दिन अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यात्रा करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, किसी बड़े फैसले की तरफ जाना है, तो आप दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में ये काम करें। लेकिन 3 से 4:30 के बीच में राहु काल के समय ये शुभ कार्य नहीं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आने वाली 25 जनवरी को बड़ौदा अहमदाबाद में रहूंगा, 26 जनवरी को दिल्ली, 27 जनवरी को गुड़गांव में रहूंगा और 4-5 फरवरी को मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहूंगा। अगर आप इन शहरों में रहते हैं और मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अब आज को सफल बनाने का मेरा गुरु मंत्र जान लें। देखिए, आप कल क्या बनेंगे वह आज से ही तय होता है, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हैं वही आपके अच्छे और बुरे भविष्य का निर्धारण करेगा। कल कहीं आसमान से नहीं टूटने वाला है, ना उतरने वाला है, ये आपने जो किया है वही आपका परिणाम बनेगा। इसलिए तुरंत सोचिए। चंद्रमा और राहु का ग्रहण दोष से चंद्रमा आज छुटकारा लेकर रात को चले जाएंगे सिंह राशि में, और शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में रहेंगे। शनि अब अकेले हो चुके हैं, पहले बुध थे, अब सूर्य बुध और केतु तीनों साथ में मकर राशि में रहेंगे। मंगल मीन राशि के हैं। इसी से मैंने आपका आज का राशिफल तैयार किया है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको अपना पूरा ध्यान अपनी सुख सुविधा, अपने माता जी के स्वास्थ्य, इसके इर्द गिर्द रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर किसी भी प्रकार के ज्ञान में वृद्धि के लिए आज आपको कोई किताब पढ़नी चाहिए, कोई वीडियो देखना चाहिए, गॉसिप में नहीं पढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ाइए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंत्री राशिफल में बताया था कि 22 जनवरी को चंद्रमा चौथे रहेंगे, जो हो सकता है कि आपको कुछ टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक अशांति आज दे दें, तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। बिजनेस में नए कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रयत्न तीव्र होना चाहिए, फास्टेस्ट प्रयास करिए आज। व्यवसाय की दृष्टि से ठीक ठाक रहेगा। वर्क प्लेस पर आज आपकी सारी बेचैनी काफी हद तक दूर हो सकती है। अपने आप को आज बहुत ऑक्यूपाइड और बिजी रखें, खाली रहते ही दिमाग खराब होगा, टेंशन हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों के कार्य की वजह से सीनियर्स को वो पसंद आने लगेंगे, वह जीवन साथी के साथ आज अच्छा समय बिता सकते हैं। लव लाइफ में आज आप कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो इस फैसले को आज न लें, क्योंकि चंद्रमा के प्रॉब्लम में बता चुका है। स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी, किसी दूर बैठे हुए अच्छे दोस्त के साथ बातचीत करके बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लोगों को बहुत सावधानी रखनी होगी। लकी कलर ग्रीन। नंबर एट शुभ अल्फाबेट NPR है। IS से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। वृषभ राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने भूमि, भवन, खुद के मकान, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए। स्टॉक या गोल्ड में आप निवेश अब कर सकते हैं और इससे आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ मिलेगा। सट्टे बाजार और वायदे बाजार में आज आपको नुकसान हो सकता है, ध्यान रखें। आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी किसी स्किल को डेवलप करने का आज मौका मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को आज किसी भी बात को करने से पहले बहुत बार सोच विचार करना चाहिए, स्पेशली किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करते वक्त, उसमें कुछ तकलीफ आपको आ सकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको मिले इसके लिए उनको पूर्ण सहयोग देना शुरू कर देना चाहिए। लव लाइफ में आज लव पार्टनर के साथ नाइट पार्टी, क्लब जाने से बचना चाहिए, बल्कि किसी मंदिर में जाना चाहिए। आप किसी और धर्म के तो अपने धर्म के अनुसार जाना चाहिए, आपके संबंध बेहतर होंगे। स्टूडेंट का व्यवहार अध्ययन को लेकर थोड़ा सा रूखा रहेगा। स्वास्थ्य पक्ष में पहले से बेटरमेंट हो रहा है। लकी कलर ऑरेंज। नंबर 9 शुभ है। शुभ अल्फाबेट IKS है। JT से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। मिथुन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने धन को बढ़ाने की तरफ होना चाहिए और कोशिश करें कि अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं, उनको कोई तकलीफ है, तो उसको दूर करने की तरफ आप आज सोचें।
और बिजनेस में आज धन व उचित योजना की कमी के कारण कारोबार बढ़ाने का विचार स्थगित करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर आज आपका दिन काफी हद तक अच्छा हो सकता है, कुछ कहा सुनी भी हो सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों को कोई फाइल गुम हो जाने या फिर किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के गुम हो जाने से थोड़ी सी परेशानी आज आपकी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ पुरानी गलतफहमियों को दूर करने का आज बहुत अच्छा दिन है। वहीं लव लाइफ में आज किसी बात को लेकर रिश्ते का अंत भी हो सकता है। स्टूडेंट का आज किसी के विवाद से या किसी और विवाद की वजह से आज आपकी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, इसलिए विवाद को दूर रखें, प्रॉपर पढ़ाई करें। तनाव बढ़ने से हार्ट की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। लकी कलर येलो, नंबर 1 शुभ है। शुभ अल्फाबेट ए आई एम है। के यू से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कर्क राशि वाले लोगों को आज अपना पूरा ध्यान अपने शरीर को और बेहतर करने की तरफ ध्यान दीजिए। अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करिए और अच्छे कपड़े खरीदिए या कुछ आपको पसंद आता है तो खरीदना जरूर चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को और बेहतर करे। और अपनी फैमिली में आ रही तकलीफों को दूर करने के लिए आज आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, यानी पहल करनी चाहिए। पार्टनरशिप में आज आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिल सकता है, इसलिए अच्छी बातचीत करें, अच्छे माहौल में बातचीत करके बिजनेस को और बेहतर तरफ लेकर जाइए। चाहे वो आपकी लव पार्टनरशिप है या घर की पार्टनरशिप है, उसमें भी आपको यही फायदा मिलेगा। वर्क प्लेस पर आज आपको नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। किसी और की बातचीत से भी आप अपना फायदा ढूंढ सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहें। सरकारी कर्मचारियों का मनचाही जगह पर स्थानांतरण न होने से परेशान हो जाएंगे। वहीं आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है, इसके लिए आज आपको पहल करनी चाहिए। लव लाइफ में बहस और मतभेद से दूर रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा चिंता की बजाय चिंतन करना शुरू करना चाहिए। वहीं वापस पहले जैसे स्थिति में आ जाएंगे आपकी लव लाइफ और पर्सनल लाइफ, इसके लिए आपको जरूर अच्छा सोचना चाहिए। स्टूडेंट की आज किसी से बड़ी बहस भी हो सकती है। सेहत को लेकर किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। वही लकी कलर स्काई ब्लू, नंबर 2 शुभ है। शुभ अल्फाबेट जी ओ वी है। एल एम से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। सिंह राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने एक्सपेंडिचर की तरफ होना चाहिए, उससे आप कैसे कम कर सकें। आपको धीरज, धैर्य, संयम और कॉमन सेंस, विवेक की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे मैंने आपको जनवरी माह के मंथली राशिफल में बताया था कि 22 जनवरी को चंद्रमा बाहरवें रहेंगे, जो हो सकता है कि कुछ मानसिक तनाव आज आपको दे दे, तो कोशिश करें कि आप इस तनाव से दूर रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। किसी नई जगह, नए देश, नए एनवायरमेंट में व्यापार करने का आज आपको मौका मिल सकता है, या इस ओर आप सोचना शुरू करिए। वर्क प्लेस पर आज आपके कार्य को पहचान मिल सकती है। वहीं सरकारी कर्मचारियों का सीनियर्स के साथ मतभेद काफी हद तक कम आज हो सकता है। कार्य बढ़िया दिशा की तरफ ले जाने के लिए आज आपको खूब मेहनत करनी चाहिए। ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए आपको अच्छी सोच रख के आगे बढ़ना चाहिए। घर परिवार में आज आपके फालतू के खर्चे भी हो सकते हैं, याद रखिएगा फालतू के खर्च, इसी सोच समझ के खर्च करें। लव लाइफ के मामले में आप थोड़े से अनलकी आज रहेंगे। स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन का अभाव होने की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जिन चीज़ों से आपका मन भटकता है उसको अपनी जिंदगी से हटाइए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्बोज में आज आपकी तकलीफ बढ़ सकती है। लकी कलर डार्क ग्रीन, नंबर 5 शुभ है। शुभ अल्फाबेट एफ जे एल है। एम वी से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कन्या राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान आपका प्रॉफिट किस में है आज, वही काम करिए। और अगर आप किसी सुरक्षा को लगता है कि आपकी असुरक्षा चल रही जीवन में, लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहा है, तो उसे दूर करने की तरफ सोचना चाहिए। व्यापारियों को कोई बढ़िया डील आज मिल सकती है। कोई नौकरी, नई नौकरी का प्रयास, इंटरव्यू के लिए आज आपको अप्लाई करना चाहिए, बहुत शुभ दिन है। वही सरकारी कर्मचारियों को चापलूसी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आप फैमिली में परिस्थिति को बेहतर करने की कोशिश जरूर करें। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सोचना चाहिए आने वाले समय में अगर आपके साथ कोई अच्छी समाचार आने वाले तो उसको और बेहतर कैसे करें, कुछ खराब होने वाला है तो उसको कैसे कम करें। लव लाइफ में आज आपकी वाक्पटुता, चातुर्य के कारण आपकी लव लाइफ भी बेटर हो सकती है, और इसकी वजह से आपके अच्छे डायलॉग की वजह से आज आपकी इमेज बेहतर होगी। स्टूडेंट को कुछ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। फिटनेस के मामले में लोग आपसे प्रेरणा लेंगे और आप कोशिश करेंगे आज लकी कलर लेमन येलो को इस्तेमाल करें। नंबर 6 की तरफ ध्यान दें। ए सी डी आपके शुभ अल्फाबेट है। ओ पी से दूरी बना कर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर है। इसका इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। वहीं तुला राशि की बात करें तो आज आपको हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अगर आपके दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, तो उनकी तरफ ध्यान दें कि उनके क्या आदर्श हैं, उनकी तेल मालिश करें,
हाथ पैर दबाएं, उनकी तकलीफों को पूछें, उनके साथ बैठकर बहुत सारी बातें करें, आपको बहुत अच्छा फील होगा, उनको तो होगा ही होगा। और साथ में अगर आपके बड़े भाई साहब को कोई तकलीफ है तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में आज इनकम के लिए नए रास्ते खोलने होंगे आपको। नौकरी बदलने की मन में है तो चेंज जरूर करें और इसके बारे में प्रयास करना शुरू करें। सरकारी कर्मचारियों का जो ट्रांसफर है उसमें बाधा आ रही है, पेशेंस रखें, जल्दीबाजी ना करें। आज आपको जीवन साथी से बातचीत पर बहुत सावधानी रखनी चाहिए। बैठे बैठे पति पत्नी का झगड़ा किसी धन की वजह से हो सकता है, इसलिए तोल मोल और कम बोल की वजह से आप बच सकते हैं। लव लाइफ में पुराने मामले उजागर हो सकते हैं। स्टूडेंट, पढ़ाई में अपने दिमाग पर थोड़ा सा ध्यान दें। चिड़चिड़ेपन को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। पेट दर्द की समस्या आज आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। लकी कलर रेड, नंबर 3 शुभ है, शुभ अल्फाबेट डी एम आर है, ए ई से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा दक्षिण रहेगी। वृश्चिक राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने भाग्य को चमकाने की तरफ, अपने व्यक्तित्व के विकास की तरफ होना चाहिए। कोशिश करें कि आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम हो, इसके लिए आपको खर्च कम और इनकम बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में आज आपको लाभ जरूर मिलेगा, कोई अच्छी डील हो सकती है। वहीं वर्क प्लेस पर आज अपनी उम्मीद और इच्छाओं के बारे में साफ साफ अपने बॉस से बात करें तो बेहतर रहेगा। मौका भी मिलेगा, एक अच्छे से मौके की तलाश पर रहिए। जैसे ही आपको लगता है कि अच्छा फायदा हो सकता है बातचीत से, तुरंत बातचीत करें। वहीं सरकारी कर्मचारियों का, अपने सबॉर्डिनेट से विवाद दूर होगा। एक अच्छी पार्टी गॉसिप के साथ साथ मनोरंजक माहौल भी बन सकता है। घर परिवार में आज आपके फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं और या फालतू खर्च हो चुके हैं, इनकम प्रॉपर नहीं हो रही, इससे इरिटेशन हो सकता है। लव लाइफ में आज आपको लव प्रपोजल जरूर मिलेगा। स्टूडेंट को पूर्व में की गई तैयारी से कंपटीशन में सफलता मिलेगी। कमर दर्द की परेशानी आज आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। लकी कलर मैरून, नंबर 4 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एच पी यू है, डी एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। धनुराशि वाले लोगों का हर हाल में अपना पूरा ध्यान, किसी धार्मिक और किसी स्पेशल यात्रा अगर आपकी चल रही है, आने वाले टाइम में करनी है या होने वाली है, उस पर विचार मंथन करके बेहतर प्लानिंग करनी चाहिए। और अपने घर में किसी प्रकार की तकलीफ चल रही है, चाहे वो टूट फूट है या कोई नई चीज़ लेनी, उस पर ध्यान दीजिए। मैंने आपको वैसे जनवरी माह के मंथली राशिफल जो स्पेशल अलग से करता हूं मैं, उसमें बताया था कि 22 जनवरी को चंद्रमा 8 पे रहेंगे, तो हो सकता है कि आज आपको कोई टेंशन, डिप्रेशन, कुछ परेशानी आ जाए, तो अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। बिजनेस में आज आपके आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण होंगे, इसके लिए आपको समय पर ऑफिस पहुंचना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आज आपकी प्रतिभा, जो आपकी स्किल है, उसको दिखाने का मौका भी मिलेगा और उसे बेटर करने का भी मौका मिलेगा। वहीं सरकारी कर्मचारी आज किसी अपरिचित व्यक्ति, स्ट्रेंजर पर विश्वास बिल्कुल ना करें, धोखा देखा जाएगा। घर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे आप तनाव में रहेंगे। रोजमर्रा के कार्यों की वजह से आपके एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो सकता है। वहीं लाइफ में आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण अवश्य रखें। स्टूडेंट आज पढ़ाई में झूठ का सहारा लेंगे जो नहीं लेना चाहिए। गले में खराश, खांसी, सर्दी, जुकाम, मौसमी बीमारी परेशान कर सकती है। लकी कलर ब्लू, नंबर 2 शुभ है, शुभ अल्फाबेट एच आई के है, वहीं जी आर से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। मकर राशि वाले लोगों को अपना पूरा ध्यान अपने व्यापार, माइंड योर ओन बिजनेस कहा होगा या सुना होगा, उस पर ध्यान दीजिए। जो आप काम करें उसी पर ध्यान दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वहीं ननिहाल पक्ष की तरफ भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बिजनेस में मैन मैनेजमेंट की क्षमता के बल पर समय से काम आपके पूरे कर पाएंगे। आप नए रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, नई मशीनरी खरीद सकते हैं अपने बिजनेस को, और सोशल मीडिया के द्वारा या और किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा बेहतर करने की कोशिश कीजिए। वर्क प्लेस पर आज आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रखे हैं। वहीं वर्क प्लेस पर मान सम्मान और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों को सीनियर्स का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। आपका वैवाहिक जीवन यानी मैरिटल लाइफ बेहतर करने के लिए आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो सरप्राइज दे सके। आज ड्रेसिंग सेंस भी बेहतर करिए, मजा आ जाएगा। लव लाइफ में आज आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, इसलिए दूरी बना करके तो बेहतर है। स्टूडेंट का पढ़ाई को लेकर थोड़ा व्यवहार बदला नजर आएगा। सांस और स्पेशली अस्थमा के रोगियों को आज बहुत सावधान रहना चाहिए। लकी कलर व्हाइट, नंबर 1 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ए बी एफ है, एल एस से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पूर्व रहेगी। कुंभ राशि वाले लोगों को अपना पूरा ध्यान मानसिक और शारीरिक बीमारी को ठीक करने की तरफ होना चाहिए। कोशिश करें कि आज आप अपने पति और पत्नी के किसी एक तकलीफ को दूर करने के लिए कुछ काम करें, बॉन्डिंग मजबूत करें। बिजनेस में आज आपको अभिलाषाएं उत्साहित करेगी। आपकी कोई एक ख्वाहिश पूरी होने वाली है,
वर्क प्लेस पर आज आपके कार्य की तेजी दिखानी होगी, उस तेजी से लोग अचंभित हो सकते हैं, उससे आप नहीं ध्यान दें, अपने काम में स्पीड लेकर आइए। गवर्नमेंट कर्मचारियों को प्रमोशन या अच्छी जगह पर स्थानांतरण की कोशिश अब बढ़ रही है। आज आपको जीवन साथी से बातचीत पर थोड़ी सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तोल मोल के बोलने से लाभ मिलेगा। लव पार्टनर द्वारा आज आपको कोई धोखा भी मिल सकता है, विशेष सावधानी रखें। स्टूडेंट आज स्वयं को टेंशन, मानसिक अशांति, नकारात्मक सोच से बाहर रखें। वहीं एल्बो में तकलीफ, घुटनों में तकलीफ, अचानक दर्द आपको परेशान कर सकता है। लकी ग्रह नंबर 7 शुभ है, शुभ अल्फाबेट ILR है। TU से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा पश्चिम रहेगी। मीन राशि वाले लोगों को हर हाल में अपना पूरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ होना चाहिए। आप खुद ही बच्चे हैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि करने की तरफ होना चाहिए। आपके दुश्मनों पर भी आप विचार करें जो आपके लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं या कर सकते हैं। कॉरपोरेट जगत में आज आपकी कंपनी को सम्मानित भी किया जा सकता है। आपको एक सोशल गैदरिंग का एक एनवायरमेंट अच्छा होने की वजह से या कोई स्पेशल ओकेजन में जाने की वजह से आपको वाहवाही मिलेगी। वर्क प्लेस पर आज आपके लिए उत्साहवर्धक दिन रहेगा। वही सरकारी कर्मचारी आज यात्रा प्रवास को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे। सामाजिक संबंधों में संतुलित व्यवहार आपकी गरिमा को बढ़ा सकता है। लव लाइफ में आज लव पार्टनर के साथ गहराई में या गहराई से सोच विचार करने का मौका मिलेगा। न चाहते हुए भी स्टूडेंट को आज कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आपकी फिटनेस जबरदस्त रहेगी। शुगर बढ़ने की समस्या को आज आप थोड़ा सा गंभीरता से लें। लकी कलर पर्पल नंबर 6 शुभ है, शुभ अल्फाबेट JOR है। AV से दूरी बनाकर रखें। भाग्य उदय कारक दिशा उत्तर रहेगी। राशिफल के बाद आइए अब मैं आपको वो खास उपाय बताता हूं जो हो सके तो आज आप अपनाइएगा। देखिए, जब हमें सफलता मिलती है यानी जीत मिलती है तो हम झंडा फहराते हैं, तो आज आपको भी वही काम करना है। आपको अपने विशेष समस्या में विजय मिले, आने वाले समय में आपको विजय मिले, इसके लिए आपको 7 त्रिकोणी ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपकी सुख समृद्धि व्यापार में बढ़ोतरी होगी। 7 नहीं कर सकते हैं, 1 डंडा लीजिए, उसमें झंडा भगवे कलर का हो, जो आपको कलर पसंद है वो हो, भगवा हो तो ज्यादा बेटर है। 1 अपनी विश के साथ, जैसे मान ली एक प्रेमिका है, वो प्रेमी को चाहती है, पति पत्नी संबंध को बेहतर कर रहा है, कोई बिजनेस में नई डील चाहता है, कोई जॉब नहीं चाहता है, ऐसी किसी भी ख्वाहिश के साथ हनुमान जी के चरणों में ध्वजा रखें। पंडित जी से प्रसाद लीजिए, वहीं पर बैठ के एक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण, तीनों में से कुछ एक करिए और प्रार्थना करके निकल जाएं, खुशखबरी मिलेगी। आप उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ग्रहों का खेल .co.in मेरी वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप बहुत सारे सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। ग्रहों का खेल मासिक पत्रिका का लेखन और प्रकाशन मैं करता हूं, वो इसलिए करता हूं ताकि वो आपके घर पर सदस्य बनकर पहुंचे। आपको मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूं। आपका आज का दिन बेहतर गुजरे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मेरे डेली राशिफल के साथ साथ मंत्री राशिफल भी अलग से आता है, वो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आपका आज का दिन बेहतर गुजरे प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरे नवंबर और दिसंबर का स्केड्यूल मैं बता रहा हूं। बहुत सारे लोग जो जिंदगी में अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनका समाधान कहीं ज्योतिष और अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो सही है। क्यों? क्योंकि भाग्य को हम बदल नहीं सकते, लेकिन सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं अपने सही कर्म के द्वारा। लेकिन सही कर्म का चयन आप करेंगे या फिर हम आपके ग्रहों के आधार पर आपको चयन करने के लिए सुझाव देंगे। जैसे बाहर बरसात हो रही है, हम छाता खोलते हैं, बरसात बंद नहीं होती है, लेकिन हम नहीं भीगते हैं। निश्चित रूप से हमने एक संकट को टाला है अपनी सूझबूझ और समझदारी से। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, मैं आ रहा हूं आपके शहर, आपके देश, आपसे मिलने के लिए। नवंबर और दिसंबर माह में मैं इंडिया और अब्रॉड में कुछ डेट्स और कुछ शहरों के नाम ले रहा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, इन शहर, देश में या इसके आसपास रहते हैं, तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं
कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जबकि हमारे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी कहते हैं, भाग्य लेकर आए हैं और कर्म लेकर जाएंगे। जी हाँ, यह बात एकदम सही है। यदि आप चाहते हैं अपने कर्मों द्वारा भाग्य में बदलाव और जानना चाहते हैं अपने जीवन का भविष्य, साथ ही अपने जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या, जैसे बच्चों की एजुकेशन, उनके करियर और विवाह, आपका जॉब या बिजनेस, ट्रैवलिंग, फैमिली लाइफ या फिर पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। गुरुदेव न केवल उन सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपकी समस्याओं को दूर करने के उपाय और बेहतर जीवन जीने के कुछ सुझाव भी देंगे। इसके लिए आप गुरुदेव से पर्सनली मिल सकते हैं। टेलीफोन अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी सीधे सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहे तो अपनी या परिवार के सदस्यों की संपूर्ण जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। ये जन्म कुंडली विश्लेषण आप टेलीविजन के माध्यम से या फिर कंप्लीट फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.grahonkakhel.co.in पर एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज पर क्लिक करना होगा, या सीधे हमारे इंडिया में आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के इस नंबर पर, जो है 0091982902625 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एड्रेस, सुरेश श्रीमाली, हाई कोर्ट कॉलोनी, जोधपुर, इंडिया। कॉन्टैक्ट नंबर है 0091982902625। ईमेल एड्रेस है info@grahonkakhel.co.in।